जय जय श्री राधे कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सशंख चक्रम सकिटीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसैरोहेक्षणम सारवक्षा स्थल कौस्तभाश्रियम नमामि विष्णुम सिरसा चतुर्भुजम। समस्त हिंदू राष्ट्र देशवासियों के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसको हम लोग देवठानी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। वर्ष में हर पक्ष में एक एकादशी पड़ती है, लेकिन यह एकादशी साल में एक बार आती है। जैसे देवशयनी अषाढ़ में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, वहां भगवान हरि शयन करते हैं और आज के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इस धराधाम पर आते हैं। तो यहाँ आने के बाद से ही विवाह यज्ञ आदि आदि मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। इसका महत्व क्या है? वैदिक हिंदू सनातन धर्म वेदादि श्रीमद् भागवत पुराण आदि के माध्यम से आपको बताएं कि बलेह पदत्रयम भूमे, कहते हैं जब भगवान वामन ने अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में गए तो तीन पैर पृथ्वी मांगी और विराट रूप धारण करके भगवान ने वामन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख करके उसको बंदी बना लिया और इस प्रकार से आगे चल करके भगवान ने वरदान दिया कि मैं पाताल लोक में 4 महीने निवास करूंगा। तो देवसैनी एकादशी से और देवउठान एकादशी तक भगवान हरि यानी विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी ने जब श्रावण के महीने में रक्षाबंधन पर राजा बलि को राखी को बांधी, उस समय पुनः अपने भाई यानी राजा बलि से भगवान को मांगने के लिए कहा। तब जाकर के भगवान के लिए राजा बलि ने दे दिया और ठीक उसी प्रकार 4 महीने भगवान जब पाताल लोक में रहते हैं, उस समय भगवान शयन के रूप में रहते हैं यहाँ के लिए मृत्यु लोक में। और आज देवउठनी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन से भगवान हरि इस धराधाम पर आ जाते हैं। इसलिए आज के दिन ही भगवान के लिए जैसे कि बेर, कचैया, चने की दाल, आंवला आदि आदि वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, गन्ने का मंडप बनाकर पूजन किया जाता है। तत्पश्चात आज के दिन के बाद से ही व्यक्तियों को बैगन और चने की भाजी, बेर, कचैया, मकोरा इत्यादि इत्यादि चीजें को खाना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बिना चढ़ाए हम लोग वैसे भी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो मुहूर्त है वह है 23 नवंबर 2023 को संपूर्ण दिन में है। वैसे तो एकादशी 22 नवंबर को सायं बेला से लग जाएगी, किंतु पूरा जो क्रम है पूजन का वह 23 नवंबर को ही। इसलिए आप सब लोग विधिवत तरीके से भगवान नारायण की आराधना करें, पूजन करें, तत्पश्चात अगले दिन इसका पारायण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।